सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने KTM RC 200 जो नया मॉडल है वो ब्लैक कलर को मैंने वर्क अराउंड वीडियो रिव्यू किया है, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो RC 200 है उस कलर के बारे में बात करने वाले, सेकेंड कलर में, जो कि RC 200 का नया मॉडल में आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पहला वाला था ब्लैक और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन, और नए वाले में आपको अब मतलब इसी के दूसरे मॉडल में आपको ऑरेंज और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। मैकेनिकली और भी कोई चेंजेस में नहीं है, सिर्फ कलर और ग्राफिक्स का ही आपको इसमें चेंज देखने को मिलता है, और आगे आप डिटेल्स में देख लीजिए क्या कुछ चेंज है। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको बड़ा सा एक सुपर व्यू आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी इसको प्रीमियम लुक देता है, काफ़ी अच्छा इसका लुक निकल के सामने आता है। KTM यहाँ पे नया ग्राफिक्स ऐड करने की कोशिश की है, जो कि आप ये डॉट डॉट थोड़ा सा देख सकते हैं, जो कि इसको एरोडायनामिक बनाया गया, जो कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्पीड प्रदान कर पाए। आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड में, यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको LED हेडलाइट का फुल्ली सेटअप देखने को मिल जाता है, और अंदर के साइड से यहाँ पे आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि वाइजर की तरफ से। और चाबी को अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको DRL जलता हुआ दिख जाएगा, दिन में थोड़ा सा शायद आपको ना दिखे, इस साइड से धूप है तो इस साइड से आप देख सकते हैं, ये DRL आपको डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पे ऑन हो जाता है, और ये भी आपको LED में जो बाद में उसमें आपको ऑन करके दिखाएंगे, बाद में आपको इसका लाइट वगैरह भी इंडिकेटर वगैरह जला के दिखाएंगे। इंडिकेटर अभी जल जाएगा क्योंकि ये साइड स्टैंड पर है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बट यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह आप देख सकते हैं। LED में आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है दोनों साइड में, और ये आपको DRL हो जाता है, ये LED हेडलाइट का सेटअप हो जाता है। तो अभी हम चले नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले इंडिकेटर आता था, ये जो रियर व्यू मिरर है यहाँ पे ये आता था नीचे एक साइड में, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पहले से थोड़ा सा और ज़्यादा इसको लुक अच्छा देता है। तो रियर व्यू मिरर भी काफ़ी अच्छा है, ये वाइजर के अंदर से निकल के सामने आता है, वाइट कलर का आपको ये देखने को मिल जाता है, और कुछ इस तरीके से इसका लुक निकल के सामने आ रहा। तो एक बार आप चारों साइड से देख लीजिए, कुछ इस तरीके से इसका लुक निकल के सामने आता है। तो बड़ा चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि है इसका हेडलाइट में, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज है। बाकी कलर और ग्राफिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें आप यहाँ पे देखें तो आपको सिल्वर और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे RC 200 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और इसका लुक कुछ और निकल के सामने आ जाता है। और वहीं पेट्रोल टैंक की तरफ चले तो यहाँ भी आपको डुअल टोन में कलर देखने को मिलता है, एक सिल्वर और ये आपको ऑरेंज में देखने को मिलता है। पेट्रोल टैंक का भी डिज़ाइन को चेंज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग के रहा है अब। और यहाँ पे आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, दोनों साइड में स्टिकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। पहले जो पेट्रोल टैंक था वो 9.5 लीटर का आता था, बट अब जो है आपको 13.5 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। पहले जो पेट्रोल टैंक आता था वो अंदर की तरफ मेटल होता था, अपर में जो है वो फाइबर हुआ करता था, अब यहाँ पे आपको फुल्ली फाइबर देखने को मिलता है, तो आप साउंड एक बार सुन सकते हैं, बाकी यहाँ पे आपको फाइबर देखने को मिलता है, तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही इसका जो है वेट है पहले से थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो फुल्ली डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको ये हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे हैंडल बार में भी ये आप चेंज कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, पहले इसमें चेंज नहीं होता था, जो राइडिंग पोजीशन वो तो पहले अच्छा होता था, बट अब पहले वाली तुलना में, मतलब पहले जो ओल्ड मॉडल था उसकी तुलना में अब ये और भी आपको कंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप इसके जो स्टेयरिंग है इसको थोड़ा सा अपराइट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और हैंडल बार की तरफ चले तो लेफ्ट साइड में आपको पास स्विच, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर, और यहाँ पे हॉर्न देखने को मिलते हैं, और इस साइड में आपको इंजन की स्विच और सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। और हॉर्न के बारे में बात करें तो इसमें शायद आपको एक ही हॉर्न देखने को मिलता है, तो हॉर्न का साउंड एक बार आप सुन सकते हैं, तो साउंड काफ़ी तगड़ा है इसका हॉर्न, तो ये कुछ साउंड इस तरीके से निकल के सामने आता है। तो अगर आप फ्रंट से देखें और बैक की साइड चले तो इस तरीके से इसका लुक निकल के आता है KTM RC 200 नए वाले मॉडल का, और सीट पहले से भी थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल दिया गया है इस बार, और यहाँ पे भी आपको RC लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और इसमें जो मटेरियल है पिलियन में भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो पहले से ज़्यादा कम्फर्टेबल आपको इस बार देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको ग्रेवल दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी प्रदान करता है पिलियन के लिए, और यहाँ से आप इसके की को लगा के आप इसको खोल सकते हैं। बाकी
अगर आप कंसोल की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ कंसोल मीटर देखने को मिल जाता है। एक बार मैं फिर से ऑन करके ऑफ करता हूँ, तो इस तरीके से आपको कंसोल देखने को मिलता है जो कि फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। ABS इंजन लाइट और यहाँ पे RPM वगैरह सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप टाइम वगैरह देख सकते हैं। चले अगर बैक साइड तो ग्राफिक्स तो आप देख ही सकते हैं कि RC 200 लिखा हुआ है, KTM लिखा हुआ है सिल्वर और ऑरेंज में। बाकी इंजन बिल्कुल पहले की तरह सेम रखा गया है। इंजन पे आपको रेसिंग KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको USD फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि WPX के हैं, और यहाँ पे भी पहले से चेंज किया गया, पहले इसमें होल नहीं आता था और यहाँ पे अब होल किया गया। और ये रिफ्लेक्टर भी चेंज देखने को मिलेगा। अलॉय व्हील भी ओल्ड वाले मॉडल से चेंज किया गया है। लास्ट में आप देख लीजिएगा ओल्ड वाले मॉडल में कैसा था। और इसमें रिम में आपको जो है ऑरेंज कलर का फिनिशिंग देखने को मिलता है जो कि KTM का एक मान लीजिए थीम ही है, जो कि इसको और भी अच्छा इसका लुक देता है। और टायर साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 110/70 17 सेक्शन के आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इंजन कॉल देखने को मिल जाता है। और ये अगर आप एयर फिल्टर देखें तो काफ़ी इसको कर्व बनाया गया है, जो कि पहले स्ट्रेट आता था, अब ये कर्व में ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको यूनिक देखने को मिलेगा। और इसका पूरा लुक जो है एरोडायनामिक बनाया गया है। और अगर बैक साइड चले तो बैक साइड से कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, ये टेल लाइट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है ये रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, ये नंबर प्लेट के लिए देखने को मिल जाते हैं। और ये जो टेल लाइट है इसके नीचे आपको रेडी टू रेस लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। दोनों मॉडल में दोनों कलर, मतलब दोनों इसके जो RC 200 है उसके दोनों कलर में, जैसे यहाँ ब्लैक कलर है तो इसमें भी आपको रेडी टू रेस लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ भी स्टिकर देखने को मिल जाता है। और बैक साइड में भी जो है टेल लैम्प आपको LED ही देखने को मिलते हैं, तो दोनों कलर में आपको यही देखने को मिलता है। मैकेनिकली दोनों कलर में कोई चेंज नहीं है, बस कलर और ग्राफिक्स कहीं चेंज है। डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप ABS देख सकते हैं। और अगर पीछे टायर साइज के बारे में बात करें तो आपको MRF के टायर देखने को मिलते हैं, 150/60/70 के आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। येलो व्हील पहले ओल्ड वाले मॉडल से इसमें भी चेंज किया गया है और येलो ऑरेंज कलर का आपको येलो व्हील देखने को मिल जाता है। तो कुछ ये था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको जो साइलेंसर है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये आपका गियर हो जाता है, राइडर का फुटपैक्स हो जाते हैं, ये गियर हो जाते हैं। साइड स्टैंड सेंसर इसमें दिया गया, जब तक आप स्टैंड को उठाएंगे नहीं तब तक ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया गया है। रियर का फुटपैक्स कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और इस साइड भी आपको यही है। फैब्रिक के आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS यहाँ पे WPX के USD फोर्क मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो फ्रंट फेंडर है ये भी डुअल टोन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगर आप चलें तो मैट ब्लैक में ये देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा अलग इसमें है। तो ओवरऑल बाइक जो है काफ़ी अच्छा बाइक है, काफ़ी अच्छा पावर आपको 200cc में अगर आप देखें तो KTM के जैसा लुक किसी और बाइक में नज़र नहीं आता। तो KTM का एक अलग ही क्रेज़ है। और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो 2,41,000 ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा गुड़गांव का। और अगर आप इस शोरूम पर विजिट करते तो आपको यहाँ पर कम डॉक्यूमेंट में अच्छा खासा फाइनेंस स्कीम देखने को मिलता है, जो कि लो इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे आपको लो डाउन पेमेंट भी देखने को मिलता है। तो आप एक बार शोरूम विजिट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या कुछ रह गया है, क्योंकि जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है मैंने आई थिंक सारा कुछ कवर कर दिया जहाँ तक याद है। तो अगर कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि और भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा खासा वीडियो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब अपडेट वाला कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। तो अब चलिए इसके साउंड को एक बार हम सुन लेते हैं और इसके लाइटिंग को भी एक बार हम चेकआउट कर सकते हैं। तो आप KTM के नए वाले मॉडल RC 200 का आप एक बार साउंड सुन लीजिए। तो ये था आपको साउंड सुनने को मिल रहा था KTM के न्यू मॉडल RC 200 का। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका साउंड आपको कैसा लगा। बाकी बाइक ओवरऑल काफ़ी बढ़िया बाइक आपको मिलती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।